समर वेकेशन। हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे कि इतने दिन तक बंद रहेंगे स्कूल, होगी गर्मी की छुट्टी यानी समर वेकेशन, कब से कब तक होगा, कितने दिन तक बंद होगा और कब से कब तक क्या डेट है उसको लेकर सब कुछ अपडेट निकल गया रही है। सभी स्कूल कॉलेज को लेकर आज की बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, तो सभी स्कूल कॉलेज वाले टीचर और स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि छुट्टी कब से कब तक होगी। चलिए करते हैं स्टार्ट क्या पूरी। देखते हैं स्कूल समर वेकेशन, स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी कब से कब तक पड़ेगी, ये सवाल हर स्कूली बच्चों के जुबान पर है। तो ये बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार गर्मियों की छुट्टी होगी वो स्कूल में 30 मई, देखो एक डेट नोट कर लीजिए, 21 से लेकर 30 जून, क्या है 21 से लेकर 30 जून तक अवकाश रहेगा और यानी कि वर्ष 2022 में ग्रीष्मकालीन 21 मई से शुरू होगा और पूरे 41 दिन तक यानी 41 डेज स्कूल क्लोज रहेंगे। स्कूल कब खुलेंगे तो जान लें कि स्कूल 1 जुलाई से खुलेंगे, यानी आपका 41 दिन बंद रहने के बाद फिर आपका जो स्कूल है 1 जुलाई से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे 1 जुलाई देखिए डेट यहाँ पे मेंशन है, 1 जुलाई से आपका स्कूल दोबारा ओपन हो जाएगा। और उसके बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में गर्मी की जो छुट्टी है शुरू हो जाएंगी और सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के स्कूली बच्चों की गर्मी की छुट्टियां कब से शुरू होने जा रही हैं, आज इस राज्य से पर्दाफाश होने जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2022 में ग्रीष्मकालीन 21 मई से 30 जून तक रहेगा और जबकि 21 मई से 30 जून तक ग्रीष्मावकाश रहेगा और मतलब यानी गर्मी की छुट्टी 21 मई से शुरू हो जाएंगी और 30 जून तक स्कूल में छुट्टी रहेंगी। अगर बात करें यहाँ पे देखिए दिया गया है कि और दोपहर 1 जुलाई से स्कूल सुबह 8 बजे से खुलेगा, जी हाँ 1 जुलाई से सुबह स्कूल 8 बजे से खुल जाएगा और 1 बजे दोपहर छुट्टी हो जाएगी, शिक्षण कार्य किया जाएगा। लेकिन यूपी बोर्ड शिक्षा परिषद ने स्कूलों में 2022 छुट्टियां और कैलेंडर जारी कर दिया है और उसमें 2022 में जो स्कूलों में होगा 119 दिन का अवकाश रहेगा, जबकि इसका ब्यौरा कुछ इस तरह है कि एक तो इस बार रविवार को 8 बड़े पर्व पड़ रहे हैं जिनकी छुट्टियां नहीं मिलेंगी, जी हाँ रविवार को भी छुट्टियां नहीं मिलेंगी। रविवार के पर्वों को शामिल करते हुए साल में 75 दिन अवकाश रहेगा, यानी जो छुट्टी होती है रविवार के अलावा पर्व में छुट्टी नहीं रहेगी और इसमें शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन के 42 अवकाश भी शामिल हैं और इसमें इसके अतिरिक्त अन्य 44 रविवार की छुट्टियां भी हैं। अन्य रविवार को सम्मिलित करने पर कुल 119 विद्यालयों में अवकाश रहेगा, 119 दिन, ठीक है। और छुट्टियों का कैलेंडर दिसंबर माह में जारी किया गया था, जबकि 30 अप्रैल तक अगर बात करें तो 27 दिन रहा अवकाश और 24 अप्रैल तक 18 रविवार की छुट्टियां चली गई और इसके अलावा जनवरी में 14 को मकर संक्रांति, 26 को गणतंत्र दिवस और 16 फरवरी जो सारे रविवार जयंती वगैरह है, होली वगैरह, ठीक है, तो उसको अगर देखा जाए तो कुल 92 दिन स्कूलों में अवकाश रहेगा, ठीक है। और इन पर्वों पर नहीं बंद रहेंगे स्कूल, कौन से पर्व पर, रविवार को पढ़ने वाले पर्वों में सबसे पहले 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जन्म तिथि पर अवकाश पड़ा जिसमें नुकसान बच्चों और स्कूली शिक्षकों को उठाना पड़ा और अब अगला रविवार को पढ़ने वाला 10 अप्रैल को रामनवमी, 10 जुलाई को बकरीद और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 9 अक्टूबर को ईद मिलाद और बराफा यानी कि और महर्ष वाल्मीकि जयंती, 23 अक्टूबर को नरक चतुर्वेदी चतुर्दशी, 30 अक्टूबर को छठ पूजा पर्व और 25 को क्रिसमस शामिल है, जो कि छुट्टी नहीं मिलेगी स्कूलों में। दो दिन का सिर्फ पांच बार होगा अवकाश। जहां एक तरफ नुकसान है तो एक तरफ फायदा भी होने वाला है, रविवार के आगे या पीछे पड़ रहे पर्व की जैसे लगातार 2 दिन छुट्टी का लाभ मिलेगा। इन पर्वों में आप छुट्टी वगैरह कहीं भी घूमने टहलने जा सकते हैं। बसंत पंचमी फरवरी शनिवार पड़ चुकी है जिसका लाभ मिला और अब आगे बुद्ध पूर्णिमा 16 मई सोमवार, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त सोमवार, चेहल्लुम व विश्वकर्मा पूजा 27 सितंबर शनिवार को होगा, यानी कहने सैटरडे संडे छुट्टी हो जाएगी तो इसमें आपको लगातार 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। दीपावली को भी 24 अक्टूबर को छुट्टी होगी, सोमवार पड़ेगा और सरदार वल्लभ भाई पटेल जन्मतिथि, आचार्य नरेंद्र देव जयंती 31 अक्टूबर सोमवार शामिल है। अपरिहार्य परिस्थितियों में जिलाधिकारी की ओर से अवकाश घोषित होगा जबकि महिला टीचरों के लिए अवकाश रहेगा। अब की बात करें हरितालिका तीज अथवा हरियाली तीज, करवा चौथ, संकटा चतुर्थ चतुर्थी और हलष्ठी, ठीक है, हलषष्ठी और ललई छठ पता नहीं क्या क्या है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जितने सारे त्यौहार हैं, व्रत है, अहोई है, अष्टमी है, ठीक है, और ईद मिलादुन्नबी है, अकरीद बकरी, सब कुछ मिला जुला के, तो उसमें 5 बार ऐसा पड़ेगा जिसमें 2 दिन की लगातार छुट्टी होगी और बाकी 4-5 छुट्टी ऐसी हैं जो कैंसिल हो जाएंगी संडे की पड़ने की वजह से। तो आई होप आप समझ गए हो कि जो आपका छुट्टी होगी कब से शुरू हो जाएगा, जो पहले होता था छुट्टी अपने 41 डेज रहेगा, 21 मई से 1 जुलाई तक अवकाश रहेगा, बाकी फिर आपका स्कूल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपको कब से कब तक छुट्टी मिलने वाली, उसी हिसाब से अपना प्लान बना सकते हो। अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हो, समर ट्रेनिंग करते हो 40 दिन की,
उस हिसाब से अपनी ट्रेनिंग में एडमिशन भी ले सकते हो, क्योंकि अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं या फिर कोई अदर कोर्सेज आपका डिप्लोमा है, तो कम से कम आपको डिप्लोमा वालों को 4 हफ्ते का 28 दिन का होता है, डिप्लोमा और बीटेक वालों को कम से कम 45 डेज़ का होता है, 40 दिन का कम से कम होता है। तो इसलिए उस हिसाब से अपना एडमिशन ले सकते हो, जावा पाइथन जो भी आप सीखना चाहो। ठीक है, अगर आपको कुछ सलाह लेना है, कुछ मशवरा लेना है, या फिर आपको कोई डाउट है कि कौन सी लैंग्वेज, कौन सी कोडिंग सीखना रहे, कौन सी बेस्ट रहेगी, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आई होप आज वीडियो अच्छी लगे, लाइक करना सब्सक्राइब।